मैदान पर मौजूद थे दर्जनों डॉक्टर, मैक्सवेल को ले जाना चाहते थे अस्पताल, फिर भी रोते रोते मैक्सवेल ने किया वो काम जो 150 सालों से कोई नहीं कर पाया। जब खड़ा होना भी मुश्किल था तब मैक्सवेल लगा रहे थे ताबड़तोड़ छक्के, हर छक्के पर बढ़ रही थी दिक्कत, अब मैक्सवेल को चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत। क्या मैक्सवेल के बल्ले में कोई गड़बड़ी थी या टीम की इज्जत का सवाल था? क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा कारनामा करने के बाद क्या बोले मैक्सवेल? जब मैक्सवेल के लिए खड़ा होना भी मुश्किल था तब मैक्सवेल खड़े खड़े इतने लंबे छक्के लगा रहे थे जिससे देखकर मैदान में मौजूद हर कोई हैरान था कि मैक्सवेल ऐसा कैसे कर रहे हैं। जब ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 70 रनों पर घुटने टेकने वाली थी तब मैक्सवेल ने कैसे 200 रनों की पारी खेलकर पूरा गेम पलट दिया और अपनी टीम की इज्जत बचाने के लिए हद पार कर दी, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। क्या मैक्सवेल के बल्ले में कोई गड़बड़ी थी या मैक्सवेल सिर्फ अपनी टीम की इज्जत के लिए हर दर्द सहन करने के लिए तैयार हो गए? इसका राज खुद मैक्सवेल ने खोला है, लेकिन मैक्सवेल को इस कारनामे के बदले अब एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अफगानिस्तान के मुंह से जीत छीनकर अपनी टीम की झोली में डालने वाले मैक्सवेल को इस जीत के बदले क्या कीमत चुकानी होगी, इसकी सारी जानकारी आपको रिपोर्ट में आगे देंगे। लेकिन मैक्सवेल के इस कारनामे के पीछे की असली वजह क्या है, पहले इस बारे में जान लीजिए। दर्द से जूझते हुए मैक्सवेल जिस तरीके से ताबड़तोड़ छक्के लगा रहे हैं उसे देखकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि मैक्सवेल के बल्ले में कोई गड़बड़ी थी और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए अफगानिस्तान की क्वालिटी गेंदबाजी के खिलाफ इस तरीके से स्ट्राइक करना कोई आम बात नहीं है। लेकिन जब मैदान पर मैक्सवेल हो तो क्रिकेट में ऐसा कुछ भी नहीं जो मुमकिन ना हो, क्योंकि मैक्सवेल ऐसा कारनामा पहले भी कर चुके हैं। जिस तरीके से मैक्सवेल ने सबसे तेज शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी उसी समय ये साबित हो गया था कि इस वर्ल्ड कप में मैक्सवेल अपनी टीम को ट्रॉफी दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए मैक्सवेल जब दर्द से जूझ रहे थे तब भी उन्होंने अपने आप से पहले अपनी टीम के बारे में सोचा और सारी दिक्कतों को नजरअंदाज करते हुए वो कारनामा कर दिखाया जो किसी के लिए सोच पाना भी मुश्किल है। लेकिन जब मैक्सवेल अफगानिस्तान के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे तब उनकी हालत खड़े होने लायक भी नहीं थी। मैक्सवेल की हालत देखकर दर्जनों डॉक्टर मैदान पर उन्हें वापस ले जाने के लिए भी आए थे, लेकिन मैक्सवेल ने वापस जाने से मना कर दिया और दर्द में रोते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए ताबड़तोड़ छक्के लगाते रहे। लेकिन 201 रनों की पारी खेलने के बाद मैक्सवेल को सीधा अस्पताल जाना पड़ा। अब हो सकता है कि मैक्सवेल वर्ल्ड कप के आगे के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा न बन सके। इस पारी को खेलने के बाद मैक्सवेल की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उन्हें इस बात का भी होश नहीं था कि उन्होंने क्रिकेट इतिहास में कितना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन मैक्सवेल के इस कारनामे ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। क्या मैक्सवेल की इस शानदार पारी के चलते सेमीफाइनल में पहुंचने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम मैक्सवेल को तोहफे के रूप में वर्ल्ड कप ट्रॉफी दे पाएगी या नहीं, और अगर टीम इंडिया का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा तो क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन मैक्सवेल की इस ताबड़तोड़ पारी और हैरान कर देने वाले इस कारनामे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें वीडियो के कॉमेंट में बताएं।